आज एक महिला पत्रकार मांग रही है इंसाफ। बात करें बीते दिनों की, बिलावर के लाखड़ी पंचायत में इंटरव्यू कर रही महिला पत्रकार पर बीजेपी के डीडीसी ने हमला कर अभद्र भाषा प्रयोग कर कैमरा छीन लिया। वो बोल दे खाली कि आज जेकी स्मार्ट सिटी बनानी है, जम्मू कश्मीर की है, स्मार्ट सिटी बनानी है। केड़ी स्मार्ट सिटी जने दिया? केड़ी तेरी स्मार्ट सिटी केड़ी है? केड़ी तेरी स्मार्ट सिटी? अंजे तेरी स्मार्ट सिटी लबी। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हुए रोहतक पड़े। क्या ये नारा बीजेपी के नेताओं को सुनाई नहीं देता या ये सिर्फ वोट बैंक की राजनीति है? लेकिन क्या कारण है, वो कौन सी बुराई घर कर गई कि आज हमें अपने ही घर में बेटी बचाने के लिए हाथ पैर जोड़ने पड़ रहे हैं, समझाना पड़ रहा है, उसके लिए बजट से धन खर्च करना पड़ रहा है। मैं समझता हूं किसी भी समाज के लिए इससे बड़ी कोई पीड़ा नहीं हो सकती। वो बोल दे खाली कि आज जेकी स्मार्ट सिटी बनानी है, जम्मू कश्मीर की है, स्मार्ट सिटी बनानी है। केड़ी स्मार्ट सिटी जने दिया? केड़ी तेरी स्मार्ट सिटी केड़ी है? केड़ी तेरी स्मार्ट सिटी? अंजे तेरी स्मार्ट सिटी लबी। आप इस वीडियो में देख सकते हैं किस तरह से एक महिला पत्रकार पर डीडीसी हमला करता है और प्रधानमंत्री बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देता है। क्या इस बेटी को प्रशासन दे पाएगा इंसाफ? क्या बीजेपी के डीडीसी पर लगेगी एफआईआर? होगी कोई कार्रवाई या बाकी खबरों की तरह ये खबर भी खबर बनकर रह जाएगी? मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है और आज सच बोलने वाले पत्रकारों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया जाता है। कहाँ है लोकतंत्र? क्या इसे कहते हैं लोकतंत्र? आइए आपको सुनाते हैं इस पत्रकार की कहानी, इसकी जुबानी। मैं यही मांग करती थी इनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। इन्होंने एक लड़की के ऊपर इतनी बदतमीजी की है और रिपोर्टर के साथ इन्होंने एक लड़की के ऊपर इन्होंने ये नहीं देखा कि लड़की है या कोई और है, ऐसी बदतमीजी की। मैं तो यही कहूँगी कि मेरे साथ इंसाफ हो और इनके वो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। तो हम पूर्व मंत्री मनोहर लाल जी का वो इंटरव्यू कर रहे थे तो पीछे से आए वो। सबसे पहले उन्होंने ऐसी बदतमीजी की, मेरे से कैमरा छीना और इनके साथ भी मारपीट की और गाली गलौज की और उनके साथ ऐसी बदतमीजी से पेश आए। कौन लोग थे जिन्होंने? डीडीसी काउंसिलर थे एनडी त्रिपाठी, नरेंद्र त्रिपाठी। कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं वो? बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं। अभी क्या मांग करते हैं? हम यही मांग करते हैं कि उनको हमें इंसाफ मिले और उनको इनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। कठुआ से अलर्ट इंडिया न्यूज ब्यूरो रिपोर्ट।